सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। रोरावर थाना इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मृतक महिला के परिवार की महिलाएं समेत अड़ोस पड़ोस के लोग प्राइवेट अस्पताल पहुंच गए, जहां गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। महिला का गलत ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को महिला की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर किए जा रहे हंगामे और सड़क जाम किए जाने की कोशिश किए जाने की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल के बाहर महिला की मौत को हंगामा कर रहे परिजनों को हॉस्पिटल के लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराए जाने की कोशिश की जा रही है। मृतक महिला के परिवार के लोगों की मांग है कि जब तक गर्भवती महिला का गलत ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक मृतक महिला की लाश हॉस्पिटल के सामने से नहीं उठाई जाएगी। मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन समेत सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। आपको बता दें कि थाना रोरावर इलाके के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 25 वर्षीय गर्भवती महिला अंजलि की मौत के बाद थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नगला कलार गली नंबर 6 निवासी कुसुमा देवी का कहना है कि उनके ही परिवार की 25 वर्षीय गर्भवती महिला अंजलि की प्रसव पीड़ा होने के चलते 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। अंजलि को प्रसव पीड़ा होने की खबर मिलते ही एक महिला ने जबरदस्ती परिवार के लोगों की मर्जी के खिलाफ उसका प्रसव कराने के लिए रोरावर क्षेत्र के एक हॉस्पिटल में ले गई, जहां डॉक्टर ने महिला का प्रसव पीड़ा होने के चलते ऑपरेशन किया। डॉक्टर द्वारा इस गलत ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। तबीयत को बिगड़ती देख परिवार के जनों ने सुबह मंगलवार डॉक्टर से कहा कि उन्हें अपने मरीज की तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत की सूचना और परिवार के लोगों द्वारा सड़क जाम किए जाने की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे परिजनों के लोगों को हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही मुकदमा दर्ज किए जाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहे मृतक महिला के परिजनों की मांग है कि जब तक गर्भवती महिला का गलत ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक परिवार के लोग मृतक महिला के शव को हॉस्पिटल से लेकर नहीं जाएंगे। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस परिवार के लोगों को समझाने बुझाने में जुटी है। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट, अलीगढ़। आज ये घटना हुई है कि हम कल से कह रहे थे इन्हों से कल सुबह से कि हमारे मरीज की हालत सही नहीं लग रही है, तुम हमें कहीं पर भेज दो और हमें इस बात को अगर तुम्हारे बस की बात हो तो करो, नहीं तो हमारे मरीज को कहीं अंतिम शिफ्ट कर दो। लेकिन इन्होंने कहा हाँ कोशिश कर रहे हैं। 9 बजे रात को इन्होंने कहा कि ऐसा अपने मरीज को लेकर चले जाओ कहीं पे भी। हमने बोला रात में कहाँ लेके जाएं, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ भेजो। साहब इन्होंने बिना लिखा पढ़ी के हमारे मरीज को भेज दिया कि एक रात के लिए भेज रहा हूँ, सुबह उसको बुला लूंगा। माँ भेजा था अनुपे रो माँ, बहुत दूर है, बहुत दूर रामघाट नहीं है। क्या है पूरा मामला, लास्ट में अभी क्या हुआ? लास्ट में ये हुआ है ऑपरेशन गलत कर दिया इन्होंने और ये लड़की खत्म हो गई। पहले बच्चा गलत ऑपरेशन की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। क्या नाम था इनका? अंजलि। लगभग कितनी उम्र होगी? ये होगी 25 साल की। पहला बच्चा है? दूसरा बच्चा है। पहली लड़की तो ऑपरेशन से हुई थी, जीवन ज्योति में बिल्कुल सही सलामत, और वो लेके आई है आंगनवाड़ी, वो है क्या ललिता। कहाँ की रहने वाली है ये? लेके आई है नंगला कड़ा की।